तो स्वागत है गाइस आप सबका हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट ऑनलाइन AK में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप यूविन ऐप में प्रेग्नेंट लेडीज़ को कैसे रजिस्टर करोगे या फिर उसे सेशन पे कैसे शेड्यूल करोगे वैक्सीनेशन के लिए। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन में यूविन ऐप की ज़रूरत होगी या फिर आप सीधे भी क्रोम ब्राउज़र में जाके पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हो। कैसे लॉगिन करना है, प्ले स्टोर से ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो के द्वारा आप लॉगिन कर पाओगे, वहाँ उस वीडियो में आपको लिंक भी दिया जाएगा। तो यूविन ऐप से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हमारे चैनल पे हैं उन सब की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहां से जाके किसी भी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की सूचना मिल पाए। तो चलिए जैसे ही आप इस पोर्टल को ओपन करते हैं लॉगिन करने के लिए तो इसका फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह का आपके पास आएगा। यहाँ आपको लॉगिन कर लेना है अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ। तो जैसे ही लॉगिन करते हैं तो नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ सबसे पहले अपनी सिलेक्ट फैसिलिटी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है पहले वाले ऑप्शन से। नेक्स्ट में अपनी जो साइट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करते ही सेशन हमारा यहाँ पे शो हो जाता है बिल्कुल इस तरह से। तो जैसे ही हम यहाँ सेशन पे क्लिक करेंगे इस सेशन के ऊपर तो नेक्स्ट इंटरफेस हमारा सेशन का जो है इस तरह का शो हो जाता है। तो आपको करना क्या है, ये जो प्रोसेस हम आपको दिखाने वाले हैं ये आपको नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए है। शॉर्ट में आपको बताने वाले हैं कि हमारी जो ANM है वो कहाँ परेशान हो रही हैं। तो यहाँ सेशन पे जो प्लस वाला आइकन है प्रेग्नेंट लेडीज़ को रजिस्टर करने के लिए यहीं पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही जो उसका पेज है फर्स्ट वाला यहाँ पे इस तरह का शो हो जाता है। यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ का सारा डाटा एंटर करने के बाद यहाँ सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन कुछ इस तरह का आता है रेड कलर में कि जो उसका आधार कार्ड है पहले से ही रजिस्टर है इस मोबाइल नंबर के साथ, उसके 4 डिजिट दिखाई जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो कोविड के टाइम में ये लेडीज़ जो है रजिस्टर है कोविन ऐप में। तो आपको क्या करना है, तो आपको फिर से उस सेशन पे बैक चले जाना है। तो यहाँ लेफ्ट में जो फिल्टर है यहीं पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पे सर्च बाई मोबाइल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो उसने कोरोना टाइम में मोबाइल नंबर दिया था, या फिर उसके आधार कार्ड से भी आप यहाँ पे सर्च कर पाओगे। तो हम नंबर से करेंगे तो मोबाइल को सिलेक्ट करके यहाँ सर्च मेंबर में उसका मोबाइल नंबर एंटर करके यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही इस प्रेग्नेंट लेडीज़ का यहाँ पे डाटा शो हो जाता है और साथ में ये इसके हस्बैंड हैं, दो इस नंबर से यहाँ पे बेनिफिशियरी उठा लिए गए हैं। तो यहाँ हमें इस प्रेग्नेंट लेडीज़ को शेड्यूल करना है अपने सेशन के लिए वैक्सीनेशन के लिए। तो यहाँ जो ये शॉर्ट में दो आइकन बने हुए हैं, ये जो सिटीजन का है पहले वाला और लास्ट में जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ का। तो हमें इस छोटे से आइकन प्रेग्नेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाता है डिक्लेयर प्रेगनेंसी का, मतलब कि हमें इस लेडीज़ को डिक्लेयर करना होगा कि ये प्रेग्नेंट है। तो सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पूछा गया है उसकी LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, और नेक्स्ट में उसका ब्लड ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और जो लास्ट वाला है इसमें प्रेगनेंसी की आउटकम डेट, मतलब कि जो उसकी लास्ट की प्रेगनेंसी है उसकी जो डिलीवरी की डेट है वो यहाँ पे एंटर करनी है, और उसके बाद सेव पे कर देना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आप देख सकते हो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम यहाँ रजिस्टर करना चाहते थे वो शेड्यूल में आ चुकी है, शेड्यूल में एक यहाँ पर आ चुका है। जैसे इसे तो यहाँ बेनिफिशियरी पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट इंटरफेस हमारा इस तरह का शो हो जाता है। यहाँ हमें उस बेनिफिशियरी की आधार KYC करनी है, यहाँ जो उसका डेमोग्राफिक भी कर सकते हैं और फेशियल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको फेशियल से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे
तो इस तरह का इंटरफेस हमारे पास शो हो जाता है। यहाँ चेक बॉक्स में ओके करके टिक आउट करके वेरीफाई मेंबर पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई मेंबर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट इंटरफेस हमारा कुछ इस तरह का आ जाता है। ये फेस को कैप्चर करने के लिए यहाँ हमारे मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है वो ओपन हो जाता है और यहाँ से हमें बेनिफिशरी के फेस को स्कैन करना है, मतलब कि उसको जो है कैप्चर कर लेना है। जैसे ही ये फेस को डिटेक्ट करता है तो यहाँ पे वेरीफाई मेंबर पे आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम जो है मैनुअल करने वाले हैं, हम बैक आ चुके हैं। हम इसकी आधार केवाईसी की जगह मैनुअल वेरिफिकेशन करने वाले हैं। जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं तो उसका नेक्स्ट पेज ओपन होता है। यहाँ ईयर ऑफ बर्थ एंटर करके और उस पर कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो मेंबर वेरीफाई सक्सेसफुली यहाँ पे आ जाता है। जैसे इस पर कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करते हैं तो हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे शो हो चुकी है। तो इस नए पेज में आपको सबसे पहले यहाँ पे विलेज सेलेक्ट कर लेना है अपना, उसके बाद यहाँ पे शो हो जाता है उसका जो वैक्सीन आपको लगाना है। यहाँ ये जो चेकबॉक्स दिया गया है यहीं पे टिक आउट आपको कर देना है। जैसे टिक आउट करोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि उसको टीडी फर्स्ट लगना है या सेकंड। तो यहाँ उसको टीडी फर्स्ट लगना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शो हो चुका है। यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही इसे सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ वैक्सीनेट मेंबर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे शो हो चुका है कि टीडी फर्स्ट इसको लग चुका है आज। वैक्सीनेट मेंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेंबर वैक्सीनेटेड सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ से आप उसकी जो ई वैक्सीनेशन कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। तो ये देखिए हमारा जो ई वैक्सीनेशन कार्ड है इस लेडीज़ का डाउनलोड हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो है कि आप यदि वैक्सीनेशन में कोई गलती कर देते हो तो उसको एडिट कर सकते हो या नहीं। यदि किसी बच्चे का वैक्सीनेशन में कोई भी टीका भरना रह जाता है तो आप उसे एडिट कर सकते हो या नहीं।